नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का ICS क्लासेस में। मुझे आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी चल रही होगी, जो कि आपका एग्ज़ाम 7 अगस्त से शुरू हो जाएगा। इस क्लास में हम लेकर के आए हैं GK GS के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, और इससे पहले के जो सेट आपने ना देखे हो वो जा कर के देख लें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि स्वतंत्रता से पूर्व, क्या चीज़? स्वतंत्रता से पूर्व कुल देशी रियासतों की संख्या थी। प्रश्न की डिमांड है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में देशी रियासतों की संख्या थी, तब ये कितनी थी? तब ये जो संख्या थी 562 थी। कितनी थी? 562। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कितनी संख्या थी? 562। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था, अर्थात ये कब पारित किया गया था? तब ये कब पारित किया गया था? ये जो पारित किया गया था जुलाई 1947 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस क्लास में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अर्थात BVIP क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेंगे, इसलिए अपनी एक सीट को पक्का करें। और वीडियो को दो साथियों आप लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? क्या 14 अगस्त 1947 में की थी? नहीं की थी ये। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगले ऑप्शंस कौन से हैं? अगले ऑप्शंस हैं कि क्या 15 अगस्त 1947 को की थी? नहीं की थी। तब कब की थी? 3 जून 1947 को घोषणा की थी। कब? 3 जून को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? किसकी द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? ये जो की थी मोहम्मद इकबाल ने, अर्थात दो देश बनाए जाए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उसकी स्थापना किसने की थी? वह की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? तब कांग्रेस का अध्यक्ष इन्हें कब चुना गया था? ये जो चुना गया था 1939 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल 1919, क्या चीज़? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए हुआ था? तभी किसकी गिरफ्तारी के लिए विरोध हुआ था? तब ये हुआ था सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1885 में बिमोस चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया था? तब ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था मुंबई में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? ऑप्शन नीचे दिए गए हैं,
तब कौन सा नेता था जो नरमपंथी नहीं था? बताना है आपको कौन सा नेता था जो नरमपंथी नहीं था? तब इसका क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तब ये बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी, ये जो घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तब ये कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? तब वह कौन सा शासक था जिसने पराजित किया था? ऑप्शन इसके नीचे दिए गए हैं। तब वह कौन शासक था? क्या महेंद्र देव बर्मन थे, शशांक ने, या नरसिंह बर्मन ने, या पुलकेशन द्वितीय ने? तब वह कौन शासक थे? पुलकेशन द्वितीय, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? क्या चीज़ संहिताबद्ध किया था? तब ये किसने किया था? ये किया था मनु ने, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या चीज़ मृत्यु कहाँ हुई थी, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी रंगून में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका 7 अगस्त से बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर शुरू होने जा रहा है, इसलिए अपनी तैयारी को लगातार मुहिम देते रहें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कल सा लाइट, कौन सी लाइट, कल लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तब ये शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तब ये जो शुरुआत की गई थी 1928 में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तब ये किसको हराया था? ये जो हराया था सिराज दौला को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? तब ये मांग कब की थी? ये जो मांग की थी 1929 में, ऑप्शन बी इसका सही होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांजीरंगा अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तब ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तब ये किस लिए प्रसिद्ध है? तब ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय है? क्या चीज़ भारतीय प्रमाणिक समय तथा तो स्थानीय समय समान है? तो कहाँ से स्थानीय समान है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कहाँ से? नैनी झील से। कहाँ से? नैनी झील से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाउनिंग स्ट्रीट है क्या? बताना कि डाउनिंग स्ट्रीट क्या है। तब ये डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? तब ये डाउनिंग स्ट्रीट क्या होगी? इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का निवास, कहाँ? इंग्लैंड में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बहुविधि से परियोजना नहीं है? क्या बताना है, कौन सी योजना है जो बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? दामोदर नदी घाटी परियोजना ये है आपकी,
नीचे बढ़ते हैं, अपना क्या है और तुंगभद्रा परियोजना, ये आपकी है, हीराकुंड परियोजना ये भी है। आपकी कौन सी परियोजना नहीं है? सिर्फ समुद्र परियोजना नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना ने सेना कितने कमांडो में संगठित है? तभी कितने कमांडो में संगठित है, यह है टोटल 7 कमांडो में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? क्या चीज़ भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है केरल को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों आपने वीडियो को लाइक ना किया हो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मानवाधिकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन हैं? तब कौन है, तब ये जो आपके हैं पहला ही विकल्प इसका ठीक है, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से कहाँ प्राप्त नहीं हुए थे? तब ये कहाँ प्राप्त नहीं हुए थे, ये नागा अर्जुन में नहीं हुए थे, रोहतल में भी हुए थे, कालीबंगा में भी और रोपड़ में भी, इसलिए ऑप्शन सी से प्राप्त नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? क्या बताना है, पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? ये जो मिलते हैं पाल घाट पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेल मार्ग की लंबाई इस समय कुल कितनी है? तब रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है इस समय भारत में? क्या 64,772 है? ये नहीं है। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगले ऑप्शन अपने हैं कि क्या बी वाला ठीक है 67,369 या सी वाला 63,140 या 65,484, तब इसमें कौन सा ठीक होगा, तब इसमें आपका कौन सा आंसर ठीक होगा? पहला ऑप्शन क्या है 64,272, तब इसका क्या सही हो जाएगा, तब इसका क्या सही होगा, इसका सही होगा आपका 63,140 किलोमीटर लंबी अभी रेल लाइन बिछी हुई है, कहाँ, इंडिया में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो अब हुमायूं नामा किसकी रचना है, ये जो रचना है गुलबदन की, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? तब ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है म्यांमार के लिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़ोरास्ट्रियन कहलाते हैं, तब ये क्या कहलाते हैं ज़ोरास्ट्रियन, ये जो कहलाते हैं अग्नि पूजक जाति के लोग, ये कौन जाति के लोग थे जो अग्नि की पूजा करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैगोड़ा क्या है, क्या बताना जो पैगोड़ा है वह क्या है, पैगोड़ा जो आपका है बौद्ध मंदिर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक दृष्टि से अब तक भारत कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है? तब कितने में विभाजित है, तब ये विभाजित है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। साथियों इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।